जैतापुर प्रकल्प रद्द करे, ये मेरी आपकी माध्यम से प्रार्थना है। Yes, if you want. माननीय अध्यक्ष महोदय, yes. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया इसके लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानती हो क्या, हाल ही में नेपाल में जो भूकंप हुआ उसमें 7,500 से भी ज्यादा लोग मर गए। ऐसे भूकंप महाराष्ट्र में भी पहले हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं। मैं इस जुरावर में आपके सामने ये नजर मिलाना चाहता हूँ कि हम अपनी सरकार, हाल ही में फ्रांस में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरेवा कंपनी के साथ में एक करार किया, एक एग्रीमेंट हुई। अब ऐसी स्थिति में हमारे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले में जैतापुर में अणु ऊर्जा प्रकल्प लाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए प्रयास शुरू है। मैं आपके माध्यम से मेरी सरकार को विनती करता हूँ कि इसके बारे में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये भूभवंश है जहाँ अर्थक्वेक हुए हैं। पिछले 20 सालों में 93 अर्थक्वेक वहाँ हुए, भूकंप हुए। उसके बाद में ओशियानिक डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जो अणुऊर्जा निर्मित का जो यंत्र है, संयंत्र है, उसमें पानी का उपयोग होने वाला है और वो पानी जब समुन्द्र में फेंका जाएगा तो समुन्द्र के पानी का तापमान बढ़ेगा, उससे वहाँ के मत्स्य पर भी गलत मतलब बुरे उसके उपचार बुरे असर पड़ने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जो ये अणु ऊर्जा की वजह से हमने अभी देखा फुकुशिमा में पूरा शहर रेकॉर्ड किया गया, आज जो कुछ 4 लाख लीटर पानी बचा है वो भी उत्सर्ग कर रहा है अणु का। इसलिए मैं आपसे माध्यम से विनती करता हूँ कि जैतापुर की प्रकल्प के लिए सरकार आगे बढ़ने से पहले ये सारी रिपोर्ट की जांच करे और उसी का विचार करे और जैतापुर प्रकल्प रद्द करे, ये मेरी आपकी माध्यम से प्रार्थना है। धन्यवाद।